मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए, हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। हे सूरी, खत्म करना इसे। भैया, नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, मार दोगे मुझे? ये डीजे मूवी आपने देखी होगी, अल्लू अर्जुन साहब की। यहाँ से विप्र ब्राह्मण का रोल किया, विप्र का अर्थात ब्राह्मण का रोल किया, वहीं से हमें राष्ट्रपति की क्षमादान की सभी शक्तियाँ याद हो जाती हैं। विप्र पल में क्षमा कर देते हैं। विप्र उच्च कोटि के विद्वान, विप्र ब्राह्मण लोग पल में क्षमा कर देते हैं। और बेहतर काम है कि क्षमा किया जाए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, बेहतर काम है किसी को क्षमा करना। क्षमा बेहतर, बेहतर 72 आर्टिकल में है, 72वें अनुच्छेद में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब 5 प्रकार से क्षमा कर सकते हैं। विप्र पल में क्षमा करते हैं। विराम, प्र प्रविलंबन, प परिहार, ल लघुकरण, क्षमा क्षमा। थैंक यू अल्लू अर्जुन साहब, आपने इतनी अच्छी मूवी बनाई डीजे, वहाँ एक ब्राह्मण का रोल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी दादी ने ब्राह्मण और बिल्लियों को मारने से मना किया था, लेकिन किसी शेर से ना उलझने के बारे में बोलना भूल गई। भाई होली आ रही है तो थारा भाई जोगिंदर जा रहा है पिचकारी और कलर लेने के लिए। थारा भाई जोगिंदर इतनी पिचकारी ले आएगा, इतने कलर ले आएगा, इतनी होली खेल लूंगा, इतने रंग लगा दूंगा अपने दोस्तों के, किसी ने सोची ना होगी। भाई यू छोरा भी आपने देखा होगा, क्या नाम है इसका, थारा भाई, ओ लागिरे, यू डायलॉग सबने सुना होगा। अब भाई देख, सुपर डॉले बनाएगा थारा भाई, ऐसे डॉले बनाएगा किसी ने सोची ना होगी। यू बात है थारा भाई, जोगिंदर भाई अगर सुन रहे हो, आपके ऊपर जीके की चीज बना दी मैंने, सुपर डॉले बना लो। सुपर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है डॉले, डुलूथ शहर कई बार आ गया यूपीपीएससी, बीपीएससी, आ रहे एसएमबीपीएससी में। सुपर डॉले बना लो, यहीं से याद हो जाएगा। जोगिंदर भाई को धन्यवाद। भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जो जोगिंदर, थरा भाई जोगिंदर इतना सोचेगा किसी ने सोची ना होगी। भी सुना होगा, राजकुमार साहब थे उसमें, दिलीप कुमार साहब थे, बहुत एक बड़ी मूवी काफी हिट रही, इलू इलू क्या है, इलू इलू क्या है, इलू का और किसी को पता हो पूरा गाना तो एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाना। इलू, ई ईरान, लू लुर जो जनजाति है, लुर ट्राइब, कई बार आ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, लुर ट्राइब तो कहां मिलेगी आपको, ई इलू इलू क्या है ये, इलू इलू ईरान, लू लुर जनजाति। और धन्यवाद दो दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब को उस जमाने में गाना बना दिया, और लो भी या तो टेढ़ा ही होता है तो ली भी। पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जी के, गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे जी, गलती से निकल गया, गोडसे के सामने हाथ जोड़ते थे, आज करना पड़ रहा है तो आज गांधी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। और फिर गांधी जी ने जिस काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, अहिंसा, उसको हिंदुस्तान में खत्म करने का काम करते हैं। देश की बहुत बड़ी शख्सियत की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्या, पंजा। मैं तो चाहता हूं कि देश विदेश में इनका पंजा चलता रहे। जब पंजा देश विदेश में चलेगा, देश में भी पंजे की जय जयकार हो, कोई ओरिजिनल नाम नहीं लिखेगा, मना कर रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कोई मजाक नहीं होगी इनके बारे में, दोबारा समझते हैं लोगों ने मजाक बना रखा है इनका, लेकिन आपको वो नाम कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है। दोबारा, जब पंजा देश विदेश में चलेगा, जब जब वो जब, जन्म से नागरिकता की प्रॉब्लम माता जी के साथ बहुत दिन से है, जब इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो वंश से, जन्म से, वंश से, पंजा पंजीकरण के माध्यम से, देश देशीकरण के माध्यम से, विदेश विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, भारत की नागरिकता प्राप्ति के 5 ही तरीके हैं, 5 यहां से निकले आते हैं, ज जन्म व वंश, पंजा पंजीकरण, देश।
49 में पंजाब को अंग्रेजों ने, उनका पंजाब, उनका 49 पंजाब, पंजाब का विलय 1849 में अंग्रेजों ने कर लिया था। अब ये जो सामने तस्वीर है वो आप पहचान के बताइए कौन है। हाँ, ये है अफ्रीका के प्रसिद्ध बल्लेबाज, नाम आपको बताना है। हमने कहा अमला का बल्ला, अमला, अमलाई मध्य प्रदेश में है, का कागज के लिए प्रसिद्ध है, बल्ला बल्लारपुर, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में। ये तीनों कागज के लिए, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अमला देखो वास्तव में बल्ले से ही खेलते थे ये, क्या नाम था पूरा कमेंट बॉक्स में आ जाओ। अमला, अमला, अमलाई कहाँ है मध्य प्रदेश में, किस लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, का कागज, कागज, बल्ला और बल्लारपुर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक और बताया था मैंने आपको राजमुंद्री कहाँ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय।